थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए बनाया यहाँ पर अशक, और अब हमारे साथ है एक सास बहू की जोड़ी। जो सासू माँ हमारे साथ हैं, उनको टीवी देखने का बहुत शौक है, साथ ही साथ खाना खाने का और खाना पकाने का भी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉली जी का। नमस्कार डॉली जी। नमस्कार, स्वागत है आपका रसोई में। रसोई में डॉली जी, आपके परिवार में कौन कौन है पहले तो आप ये बताइए हमें। मेरे परिवार में मेरा बेटा, बहू और एक बेटी। ओके, तो खाना आप ही बनाती हैं घर पे? हाँ, खाना मैं बनाती हूँ, मेरी बहू बनाती है। डॉली जी, आज आप हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अफगानी डिश जिसका नाम है बोरानी भोजन। बोरानी भोजन? हाँ जी। तो ये जो बोरानी भोजन हम बनाने जा रहे हैं, इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ? बोरानी मतलब होता है लहसुन, और भोजन मतलब होता है बैंगन। बैंगन, बैंगन, ठीक है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये किचन टॉवल है हमारे पास, ये लेंगे। दो तो हम इसको पहले ऐसे करके बिछा लेंगे। इसके ऊपर हम ये बैगन बिछा देंगे। ओके। इसके हमने चार स्लाइस लिए। तो बेसिकली हम इन बैगन का पानी सुखा रहे हैं। हाँ जी, हम इस बैगन का पानी सुखाएंगे और इसको हम दो नैपकिन से ऊपर से ढक देंगे और इसको हल्का प्रेस कर देंगे ताकि ये सोक कर लिया। ठीक है डॉली जी, नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर हम गैस जलाएंगे। ओके, चलिए। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। ठीक है, और अब इसे गर्म कर लें पहले। हाँ जी डॉली जी, तेल गर्म हो चुका है। हाँ, अब नेक्स्ट ये हमने जो बैगन लिया है इसके हम चारों तरफ रख देंगे ऐसे। ओके, और बीच में ये जो कटी हुई प्याज है बीच में रख देंगे ताकि ये इसके साथ साथ भून जाए। ठीक है, तो करीब कितनी प्याज है हमारे पास यहाँ? एक कटोरी प्याज है। ठीक है, तो डॉली जी अब ये बैंगन की साइड हम पलट दें। हाँ जी, अच्छा कलर आ गया। हाँ जी, जब ये ब्राउन हो जाए जी तो इसको हटा के उस साइड रख दीजिए। तो इसको हटा दें? हाँ जी, अब इसको हटा दीजिए। ओके, और ये फ्राई पैन इस पर रख दीजिए। चलिए, हमने पैन्स भी बदल दिए। अब इसको गरम करके इसमें एक चम्मच तेल डालिए। ओके, चलिए गरम हो गया। अब ये गरम हो जाए तो इसकी एक स्लाइस बैगन की स्लाइस, हाँ एक स्लाइस लीजिए और इस फ्राई पैन में रख दीजिए। ओके, उसके बाद हम ये कटा हुआ शिमला की मिर्च इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, एक पीस ऐसे गोल कटे हुए टमाटर, दो या तीन साइज के अकॉर्डिंग उतने पीसेस इसके ऊपर रख दीजिए। ठीक है, अब डॉली जी अब इस पे टमाटर रखने के बाद थोड़ी सी एक कटी हुई प्याज लाइए, मैं डाल देता हूँ। हाँ जी, ये लीजिए। हाँ, ये कसा हुआ चीज। ओके, नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, वैसे तो चीज में अपना ही थोड़ा नमक होता थोड़ा ही है। नमक होता ही है, बट फिर भी ताकि फीका ना लगे जी थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। और वापिस इसको बैगन के एक स्लाइस से ढक देते हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट। बस अब इसको ढक देते हैं। ओके, कितनी देर तक? दो मिनट तक। दो मिनट तक, हाँ जी। चलिए, इसको तो हमने ढक दिया। अब नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। ओके, इसके लिए हम ये जो हमने दही रखा हुआ है जी, ये दही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास करीब एक कप दही है। हाँ जी, ठीक है, और इसको हम अच्छी तरीके से फिट लेते हैं। ओके, चलिए डॉली जी अब ये दही फिट गया है जी। अब इसके अंदर हम एक चम्मच मिर्च, दो चम्मच लहसुन और आधी चम्मच नमक। आधा चम्मच नमक? हाँ जी, ठीक है। इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। ओके, ताकि इसकी ड्रेसिंग तैयार हो जाए। ओके, तो ड्रेसिंग यहाँ पर तैयार है डॉली जी। हाँ जी, और ये हमारे पास यहाँ बैंगन भी तैयार है। हाँ जी, फ्लेम इसकी ऑफ कर दें। हाँ जी, ये पक चुका है, इसको बंद कर दीजिए। तो अब हमें सर्व करना है। हाँ जी, तो इसके साथ हम ये ड्रेसिंग सर्व कर दें। हाँ जी, राइट बस। तो ये हो गया हमारे पास बोरानी और ये हो गया भोजन। हाँ जी, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पर हमारे पास एक और अफगानी डेलिकेसी तैयार है, बोरानी भोजन यानी कि एग प्लांट्स इन योगर्ट सॉस।
बोरानी बोगन एग प्लांट इन योगर्ट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए किचन टाल 4 पीस, कटा हुआ गोल्ड बैंगन 4 स्लाइसेस, गोल्ड कटी शिमला मिर्च 1 स्लाइस, गोल्ड कटे टमाटर 2 से 3 टुकड़े, कटा प्याज 1 कटोरी, कसा चीज 2 छोटे चम्मच, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, कटा लहसुन 2 बड़े चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, तेल 2 छोटे चम्मच। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। सबसे पहले किचन टॉवल पर बैंगन के स्लाइसेस रखकर उसका पानी सुखा लें। अब एक पैन में तेल गरम करें, प्याज और बैंगन को भूनें। अब एक अलग पैन में तेल गरम करें, बैंगन का एक स्लाइस पैन में रखें और ऊपर से टमाटर के स्लाइस, प्याज और कसा हुआ चीज डालें। अब इसे एक और बैंगन के स्लाइस से कवर करें। एक बोल में दही को फेंटें, उसमें पिसी लाल मिर्च, लहसुन और नमक मिलाएं और ढककर पकाएं। ड्रेसिंग तैयार है। तैयार है बोरानी भोजन यानी एग प्लांट इन योगर्ट सॉस।